बेरोजगार हो गया रवीश कुमार अब तो सड़क पर आ गया रवीश कुमार अब तो भूखा मरेगा इसका परिवार अब क्या करेगा रवीश कुमार दिसंबर 2022 में भाजपा समर्थकों और आईटी सेल के गुर्गों ने इससे हजार गुना ज्यादा घटिया बातें सोशल मीडिया पर भरपूर प्रसारित की थी यह दिखाने की कोशिश हो रही थी कि मोदी सत्ता से जो सवाल करेगा उसे सड़क पर खड़ा कर दिया जाएगा मगर भारत की जनता ने ऐसा होने नहीं दिया लोगों ने रवीश कुमार को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया और इस बात का प्रमाण खुद एक वक्त के दुनिया के दो नंबरी अमीर की हरकतों

वही खेल हो जाएगा कि आ बैल मुझे उठाकर पटक हंसी हाँ मत सही कह रहा हूँ आप में से बहुत सारे लोग अक्सर लिखते हैं कि कब बनेंगे विश्वगुरु कब बनेंगे विश्वगुरु इतनी देरी काहे हो रही है आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे की विश्वगुरु बनने की कृपा कहाँ पर अटकी पड़ी है चटनी में कि समोसा में और कब तक हम लोग विश्वगुरु बन सकते हैं पत्रकार रवीश कुमार ने आर प्रमुख मोहन भागवत को बड़ा तगड़ा वाला तंज करते हुए एक कठिन सवाल पूछ दिया है जिसका जवाब आना नामुमकिन ही मानकर चलिए हमारे देश में बहुत सारे लोग चमत्कार ढूंढते हैं इसी चक्कर में कभी इस बाबा के यहाँ कभी उस बाबा के यहाँ जाते रहते हैं और फंसा दिए जाते हैं कभी कोई पलट के सवाल पूछ दे तो बाबा के चेले चपाटे बल भर कूट भी देते हैं लेकिन आज मैं इस वीडियो में एक ऐसा चमत्कार दिखाने वाला हूं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते वैसे तो बाबा लोग चमत्कार के नाम पर संपत्ति बना लेते हैं लेकिन हम तो उतना नहीं चाहिए पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बजाइएगा देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में यदि आप हमारे प्रयास में सहायक बन सकते हैं तो इस क्यू कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक

ने इस तस्वीर को कैमरे में कैद किया है और लिखा है की रांची में सचिवालय घेराव के दौरान भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा पत्थरबाजी हो रही थी साथ ही पत्रकारों के कैमरे टूट रहे थे घायल हो रहे थे उस वक्त मैंने ये तस्वीर ली बताइए दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ही सेना के जवानों पर कथित तौर से पत्थरबाजी कर रहे हैं अब मैं सोच रहा हूं कि पहले आपको चमत्कार दिखा दूं इसके बाद भाजपा के कर्नाटक संकट की बात करेंगे और फिर बात कर लेंगे रवीश कुमार के नाम अदानी ग्रुप की चिट्ठी की अपनी स्क्रीन पर इस खबर को टकटकी लगाकर देखी और इसके भीतर का चमत्कार भी देखी यह अंग्रेजी में छपी है हमको जितना समझ में आ रहा है उतना आपको बताने की कोशिश करते हैं इसमें लिखा है कि सत्रह किलोमीटर की सड़क 30 करोड़ का का बजट दिन में चौड़ीकरण का काम फाइनल हो गया एक बार फिर से सुन लीजिए 17 किलोमीटर की सड़क का चौड़ीकरण का काम वो भी पहाड़ी क्षेत्र में सात दिन में फाइनल हो गया जिसका बजट था 30 करोड़ रुपया यहाँ यह भी लिखा है कि एक ही काम के लिए एक ही काम के लिए एक ही फर्म ने दो दो बार ठेका लिया है अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह संभव है कि 17 किलोमीटर सड़क को पहाड़ी क्षेत्र में 30 करोड़ खर्च करके मात्र सात दिन के भीतर चौड़ा किया जा सकता है आपकी जान पहचान में कोई सिविल इंजीनियर हो तो उससे पूछ लीजिएगा हमारे पास तो नहीं है वैसे असम की भाजपा सरकार ने इतना बढ़िया चमत्कार किया है इसके लिए थैंक यू तो बनता ही है कम से कम कागज पर बनवा दिया यही कम है क्या लेकिन हाँ हम अंदाजा जरूर लगा सकते हैं क्योंकि दो में जिस काशी को क्योटो बनाया जाने वाला था उसी क्योटो के रिंग रोड का काम अभी तक अधर में लटका हुआ है उसके निर्माण की अवधि बार बार बढ़ाई जा रही है मुझे जहाँ तक याद है स्वयं प्रधानमंत्री जी लगभग साठ किलोमीटर के इस रिंग रोड के दो फेज के निर्मित होने पर फीता काटने पहुँच चुके हैं यानी कि ये निर्माण कार्य उनकी नज़र में भी होगा फिर भी इतना धीमा काम क्यों चल रहा है लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव से पहले फीता काटने के लिए काम धीमे किया जा रहा है हमें नहीं पता कि इसके पीछे की वजह क्या है लेकिन सवाल तो उठता ही है कि एक तरफ से रिंग रोड बनता जा रहा है और दूसरी तरफ से टूटता भी जा रहा है पुराना वाला लोगों ने बताया कि कई बार रिपेयरिंग भी हो चुकी है सर्विस रोड की अब यहाँ समझना बड़ा मुश्किल है कि असम में सत्रह किलोमीटर की रोड सात दिन में चौड़ीकरण का, का काम हो जाता है और यूपी में आकर स्पीडिया इतनी धीमे क्यों हो जाती है जबकि वहां तो पहाड़ी पर भी नहीं बनाना है समतल जमीन है हो सकता है भाई विश्वगुरु बनने का ये कोई नया तरीका हो इस वक्त देश भर की नजरें कर्नाटक के चुनाव पर टिकी हुई है क्योंकि इसे दो का सेमीफाइनल माना जा रहा है लेकिन एक के बाद एक जैसी खबरें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का हाल बहुत बढ़िया तो नहीं है हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया लेकिन वो बागी हो गए और फिर मजबूरन बीजेपी ने उनको टिकट दिया इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तनाव कितना ज्यादा है मगर अब एक मामला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में बैठे है ये साहब इन्होंने इस मामले पर सुनवाई करने की हामी भी भर दी है लिस्टिंग के लिए हाल ही में आपने देखा था की कर्नाटक की भाजपा सरकार ने ओबीसी कैटेगरी के तहत मुसलमानों के लिए जो चार प्रतिशत आरक्षण था जो कि लगभग तीन दशक से चल रहा था उसे समाप्त कर दिया जिसे लेकर खुद गृहमंत्री अमित शाह ने कर्नाटक की रैली में तालियां बजवाई थी वैसे बाद में कंफ्यूजन भी पैदा हो गई क्योंकि मुस्लिम नेताओं से मिलकर खुद गृह मंत्री ने ही कहा कि आरक्षण खत्म नहीं किया जाएगा अब मुसलमानों का चार प्रतिशत आरक्षण खत्म करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और चीफ जस्टिस ने उस पर सुनवाई करने के लिए हामी भी भर दी है है समझने वाली बात यह कि यदि कर्नाटक चुनाव से पहले ही इस मामले पर कोई फैसला आ जाता है और यदि कर्नाटक सरकार के फैसले को पलटने का फैसला आ जाता है तो फिर बीजेपी कर्नाटक में क्या मुंह दिखाएगी हालांकि बड़ी से बड़ी गलती करने के बाद भी मुंह दिखाने में बहुत सोचना नहीं पड़ता है बस एक लाइन तो कहना है हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी बस काम फाइनल वही इस मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि अगली सुनवाई तक यानी कि संभवतः 18 अप्रैल तक जब तक इस पर आगे कोई फैसला नहीं आता है कोई भी एडमिशन या कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी इस आरक्षण के तहत कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस के लोग बड़े उत्साह से लवरेज दिख रहे हैं कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि देखा आपने जो कहा था वही हुआ कर्नाटक बीजेपी में भगदड़ इस्तीफों की बारिश और आगे आठ बीजेपी नेताओं के नाम लिखे हैं जिनमें एक पूर्व डिप्टी सी एक पूर्व एम तीन वर्तमान एम एक एम एक मंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेहद करीबी का नाम लिखा गया है आगे लिखा है कि राज्य भर में बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा जारी है और नीचे बाकायदा नोट भी लिखा है कि ये लिस्ट समय के साथ बढ़ती जा रही है अपडेट करते रहेंगे पिछले दिनों यूट्यूब पर एक वरिष्ठ संपादक को मैंने सुना था उन्होंने कहा कि बीजेपी के किसी नेता से उनकी बातचीत हो रही थी जिसमें नेताजी ने कहा कि हमारी सीट कर्नाटक चुनाव में चाहे जितनी आए इससे कोई मतलब नहीं है सरकार तो हम ही बनाएंगे अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ कांग्रेस के लोग शादी के लड्डू खा रहे हो और दूसरी तरफ कोई दुल्हन लेकर भाग जाए अब हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं इसे जरा ध्यान से सुनिएगा दिसंबर 2022 में जब मशहूर पत्रकार रवीश कुमार ने एनडीटीवी के अदानी ग्रुप द्वारा अधिग्रहण कर जाने के बाद इस्तीफा दे दिया तो पूरी दुनिया में इस इस्तीफे की चर्चा हुई उस वक्त की खबरों में यह देखना दिलचस्प था कि जिन लोगों ने एनडीटीवी को स्थापित किया जिस अदानी ग्रुप में एनडीटीवी पर कब्जा कर लिया इन दोनों की उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी चर्चा रवीश कुमार के इस्तीफे की हुई और यह चर्चा दोनों तरफ थी लोकतंत्र और पत्रकारिता को जिंदा रखने की चाह रखने वाले रवीश कुमार के समर्थन में खड़े थे और इन्हें नापसंद करने वाले विरोध में खड़े थे मजे ले रहे थे मजा लेने वालों में गोदी मीडिया के दर्जन भर लपरजंडीज भी थे लेकिन इन का मजा बहुत दिन तक नहीं चला क्योंकि जो रवीश कुमार बेरोजगार हो गए थे जिनका परिवार भूखों मरने वाला था जो सड़क पर आने वाले थे जो निकम्मे हो गए थे सेल के अनुसार देश की जनता बहुत जल्द नए मुकाम पर पहुंचा दिया और देखते ही देखते पांच मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर उनके साथ जुड़ गए अब उस मुकाम का अंदाजा इस बात से ही लगा लीजिए कि अदानी ग्रुप ने मेल करके रवीश कुमार से कहा है कि आपने फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा छापी गई खबर पर वीडियो किया था अब उन आरोपों पर हमने जो जवाब दिया है आप उस पक्ष को भी दिखाइए अब सोचने वाली बात यह है कि जिसके समर्थन में भारत के गोदी मीडिया के सैकड़ों चैनल हैं उस पर काम करने वाले सैकड़ों की संख्या में उसे एक बेरोजगार पत्रकार के मुंह से अपनी खबर चलवाने में कैसी दिलचस्पी पैदा हो गई है क्या यह इस बात को प्रमाणित नहीं करता कि वो लोग सामने से इस बात को स्वीकार करें ना करें लेकिन जानते तो हैं ही कि रवीश कुमार जैसे पत्रकारों द्वारा दिखाई गई खबरों का असर जनता के बीच कितना ज्यादा होता है हालांकि रवीश कुमार ने अपनी वीडियो में कहा भी है कि ग्लोबल चैनल चलाने वाले यूट्यूब को गंभीरता से लेने लगे हैं रवीश ने यह भी कहा कि यही पत्रकारिता का वसूल है कि सभी पक्षों को दिखाया जाए और उन्होंने इस मुद्दे पर विस्तार से बात भी की मगर सोचने वाली बात यह है कि फाइनेंशियल टाइम्स में छपी खबर के अनुसार रवीश ने जो वीडियो बनाया क्या उसके जवाब में सैकड़ों की संख्या में गोदी मीडिया के लपड़ लपरझंडिसो का असर काम नहीं आ रहा था जो बेरोजगार खलीहर यूट्यूबर पत्रकार को मेल करके बताना पड़ रहा है कि हमारा पक्ष भी दिखा दीजिए आप सभी के मन में विश्व गुरु बनने की इच्छा जोरों से हिलोरे मार रही है मगर माफ करिए अभी उसमें बीस तीस साल का टाइम लगेगा क्योंकि कि कुछ लोग हैं जो भारत को विश्व गुरु बनने से रोकने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं अब वो कौन लोग हैं ये हमसे मत पूछिएगा मुझे लगता है ये वही लोग हैं जिन लोगों ने भारत को स्वच्छ होने से रोकना चाहा था था याद करिए किसी ने कहा था कि दुनिया की कोई ताकत भारत को स्वच्छ होने से रोक नहीं सकती सोचने वाली बात है क्या दुनिया वाले इतने खलियर हैं कि भारत को स्वच्छ होने से रोकने आ रहे हैं गजब गजब की हवाबाजियां चलती हैं भाई अच्छा सोचने वाली बात यह भी है कि ये हवाबाजियां जनता को बड़ी पसंद आती आर एस प्रमुख मोहन भागवत की इस खबर को शेयर करते रवीश कुमार ने पूछा है कि मोहन भागवत जी जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने आपकी संस्था से जुड़े एक पदाधिकारी पर दलाली का आरोप लगाया है इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती कम से कम मेरे इस वीडियो को -ट्वीट कर दीजिए ताकि आपके कार्यकर्ता देख लें और समझ जाएं कि कौन सा काम ठीक है दलाली का या विश्व गुरु बनने का वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यपाल मलिक ने किस तरह से आर के बड़े नेता का नाम लेकर तीन करोड़ की बात कही हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था विस्तार से बताया भी था अब आप लोगों के पास यदि रवीश कुमार जी का नंबर हो तो फोन करके पूछिए कि जो लोग दुनिया के सबसे बड़े कथित फ्रॉड पर कोई जवाब नहीं देते जो लोग ये नहीं बताते कि बीस हजार करोड़ रुपया किसका है जो जो लोग ये भी नहीं बताते कि गुजरात में जो करोड़ों रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया था वो किसका था जो लोग यह भी नहीं बताते कि पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया कितना गया इन लोगों के पास इतनी फुर्सत है कि तीन करोड़ रुपए का हिसाब देंगे और वो भी जिसका लेन हुआ ही नहीं खाली बातचीत हुई गजब करते हैं आप वैसे हमें एक बात की संतुष्टि है और खुशी भी है उम्र के हिसाब से यदि जिंदा रहे तो विश्व गुरु में जीने का सौभाग्य प्राप्त होगा हालांकि किसी भक्त ने छः महीने के भीतर निपटाने की धमकी दी थी मेरे हिसाब से लगता है दो तीन महीना पूरा भी हो गया होगा अब जो बुजुर्ग लोग विश्व गुरु में जीने का सपना देख रहे थे भैया वो अपना अपना देख लें हो सके तो चिट्ठी पत्री लिखकर अपना धरती पर रहने का टेन्योर बढ़ावा लीजिए वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा ज़्यादा लोग तक पहुंचाइएगा हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद